जेके न्यूज़ ऑब्जर्व में खैर मकदम है बट इतफाक जेके न्यूज़ ऑब्जर्व। आज हम खड़े हैं ट्यूलिप गार्डन में। आज ही एक ऑर्डर आया है कि स्कूल जो हैं नर्सरी से लेके 9th क्लास तक 15 दिन के लिए बंद किए जा रहे हैं, और जो 9th से 12th तक जो क्लासेस हैं उनको एक हफ्ते के लिए बंद किया जाए। आप इस वक्त देख रहे हैं, हम इस वक्त ट्यूलिप गार्डन में हैं, किस तरह की भीड़ है और किस तरह से लोग जो हैं आए हैं यहाँ पे। क्या इसके लिए गवर्नमेंट को कोई कदम नहीं उठाना चाहिए? अगर स्कूल्स बंद हैं, स्कूल में इतनी गैदरिंग नहीं होती हैं, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा फिर से दाएं बाएं, जो मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा वो आपको पैन करके दिखाएं कि कितनी भीड़ है यहाँ पे। ना SOPs का फॉलो किया जाता है, ना कोई गाइडलाइन यहाँ पे है। जो गेट पे हम खड़े थे तो विदाउट मास्क अंदर आने दिया जा रहा था। मैम पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम सीमा है। कहाँ से आए हैं? इंदौर MP। तो ट्यूलिप गार्डन आप पहली बार आए हैं? हाँ जी। कैसा लगा आपको? बहुत सुंदर है, अलग अलग टाइप के फ्लावर्स है, कॉन्सर्ट हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मौसम भी इतना अच्छा है, वेदर अच्छा लग रहा है। तो और कहीं ट्यूलिप गार्डन के बगैर आप कहीं गए हैं? हाँ, अभी डल झील गए थे। नहीं, अभी हमारा पहला ही दिन है तो हम डल झील आज घूमे, और आज अभी हम सेकंड ट्यूलिप गार्डन घूमने आए। आपका मास्क नहीं लगा? नहीं लगा, क्योंकि फोटो क्लिक करनी थी ना इसलिए। माय नेम इज किरण, मैं MP से हूँ, इंदौर से। और ये ट्यूलिप गार्डन बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे कॉन्सर्ट वगैरह भी हो रहा है। हम अभी डल झील से आए, वहाँ का व्यू भी बहुत अच्छा था। तो आप पहली बार कश्मीर आए? हाँ, पहली बार है ये। तो बहुत अच्छी है। इससे पहले तो बस सुनते रहे हैं? हाँ, बस सुनते। तो कश्मीर में आके बहुत अच्छा है, कश्मीर का ब्यूटी बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा है, नेचर बहुत अच्छा, नेचर है कश्मीर के लोगों का। तो आपसे बात करना चाहेंगे। जी जी। आपका नाम? मेरा नाम रामकृष्ण बिरला, आर के बिरला। कहाँ से? MP इंदौर। हम सभी लोग MP इंदौर से ही। अच्छा, आप पूरा ग्रुप हो? जी जी बिल्कुल। तो फर्स्ट टाइम सारे आए हैं? हाँ, फर्स्ट टाइम आए हैं। और अगर मैं बात करूँ, जैसे हमारे उधर कहा जाता है कि अगर आपको जन्नत देखनी हो तो कश्मीर जाइए, तो रियलिटी में एक तरीके से बिल्कुल जन्नत है, एक तरीके से अर्थ का जिसको जन्नत कहा जाता है, कश्मीर में आके बिल्कुल हमको उसी टाइप से लग रहा है। और कल हमारा, और अभी जैसे आज दूसरे सेकंड डे हमारा, कल फिर हम गुलमार्ग जाएंगे, तो गुलमार्ग से फिर डिफरेंट देखेंगे कि क्या है वहाँ पर। ठीक है, उम्मीद है कि और ज़्यादा बेहतर कुछ देखने को मिलेगा हम। चलिए, हमारी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। Karo dance, man.